अभी जो आप ये वीडियो देख रहे हैं, ये मोस्ट प्रोबेबली आप अपने फोन पर देख रहे होंगे। तो अगर ऐसा है तो आप हमारी 22 करोड़ आबादी के मुल्क में उन 16 करोड़ लोगों में से हैं जिनके पास अपना खुद का प्राइवेट मोबाइल फोन है। मोबाइल फोन्स, स्मार्टफोन्स की बात अभी तक हमने नहीं की है। और अब स्मार्ट वॉचेस भी आ गई हैं कि आप अपने फोन को थोड़ी देर के लिए भी साइड पर नहीं रख सकते। लेटेस्ट गाड़ी चलाना, लेटेस्ट फोन रखना, फुली इक्विप्ड लैपटॉप रखना, और अगर आप एक क्रिएटिव शख्स हैं तो एक प्रॉपर वर्क स्टेशन रखना। अनफॉर्चुनेटली जब भी हम टेक्नोलॉजी की बात करते हैं तो हमारे जहनों में सिर्फ यही चार चीजें आती हैं कि ये भी एक तरह की टेक्नोलॉजी है और हमारी 22 करोड़ की आबादी में से काफी ज्यादा लोग ये टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करते हैं, इसका मतलब हम भी टेक्नोलॉजिकली डेवलप्ड मुल्क हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है। बुनियादी वजह यह है कि हमारे यहाँ तनकीदी सोच और साइंसी तरीक़ाकार को अच्छा नहीं समझा जाता। जिस तरह की तालीम हमारे स्कूलों में दी जाती है वो बस रटने और याद करने पर ही मुहित है। अगर हम अपने दिमागों से नहीं सोचेंगे, अगर सिर्फ रटी रटाई बातें हम बच्चों को बताएंगे, अगर हम उनको चैलेंज नहीं करेंगे तो तालीम और साइंस ये पनप नहीं सकती। अब जितना भी आप पैसा खर्च करें, जितनी भी यूनिवर्सिटी की इमारतें बनाएं या साजो सामान खरीदें या साइंसी आलात खरीदें, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। असल बात है फिक्र, फिक्र जो साइंसी फिक्र होती है। साइंसी फिक्र नहीं तो फिर कुछ भी नहीं। हमारे मुल्क में जब भी टेक्नोलॉजी की बात की जाती है तो काफ़ी मौाक़ों पर उसको बुरा समझा गया। तजस्सुस का जो अलमिया है इंसान के अंदर, जिसकी वजह से हमें अशरफुल मखलूकात कहा गया है, उसे बचपन में ही दबाया जाता है और मार के ख़त्म कर दिया जाता है। आप में से काफ़ी सारे लोग मेरी इस बात से रिलेट कर सकते हैं कि जब आप छोटे थे और आप अपने बड़ों से ही सवाल करते थे कि भाई आसमान नीला क्यों होता है, आसमान में तारे क्यों चमकते हैं, फलाना चीज़ कैसे काम करती है, ढिमकाना चीज़ कैसे काम करती है, तो आपको ये कहा जाता था कि तुम अभी छोटे हो, तुम अभी समझ नहीं पाओगे, ये ज़िंदगी है और ज़िंदगी ऐसे ही चलती हुई आ रही है, या फिर फजूल सवाल पूछना बंद करो। अब इसके साथ साथ हमारे मुल्क में टेक्नोलॉजी को बहुत देर से एक्सेप्ट किया जाता है। दुनिया में ब्रॉडबैंड इंटरनेट सन 2000 में लॉन्च हुआ और अगले साल 2001 में पाकिस्तान में भी लॉन्च हो गया, लेकिन उसको एक्सेप्ट करने में हमें कितना टाइम लगा। मेरे खुद के घर पे 2007 में इंटरनेट लगा और वो भी सिर्फ कंप्यूटर में कनेक्ट होता था, और मैं ऐसी फैमिली को भी जानता हूँ जिन्होंने मेरे कहने पे पिछले साल इंटरनेट लगवाया है, और उससे पहले वो ये कहते थे कि भाई अगर हम इंटरनेट लगवाएंगे तो हमारा बच्चा बिगड़ जाएगा और वैसे भी हमें इसकी क्या ज़रूरत है, ये सिर्फ हम पे नज़र रखने के लिए यहूदियों की साजिश है। What the fuck? लेकिन हालात इतने भी बुरे नहीं है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी इज अ ग्रोइंग फील्ड इन पाकिस्तान। हायर एजुकेशन और साइंटिफिक रिसर्च में पहले प्राइम मिनिस्टर लियाकत अली खान काफी सारे रिफॉर्म्स लेकर आए जिससे इम्प्रूवमेंट इनिशिएट हुई। पाकिस्तान में साइंस की असल ग्रोथ तब देखने को मिली जब 2002 में हायर एजुकेशन कमीशन फॉर्म हुई, जिसने प्रोफेसर अताउर रहमान की लीडरशिप में पाकिस्तान अकेडमी ऑफ साइंसेज को स्पॉन्सर किया। प्रोफेसर अब्दुस्सलाम, अ थियोरेटिकल फिजिसिस्ट, वॉन द नोबेल प्राइज इन फिजिक्स इन 1979, बीइंग द फर्स्ट एंड ओनली पाकिस्तानी टू डेट टू हैव रिसीव्ड द ऑनर। और अब हरिपुर खैबर पख्तूनख्वा में पाकिस्तान ऑस्ट्रिया यूनिवर्सिटी ऑफ अप्लाइड इंजीनियरिंग बनाई जा रही है, जिसमें स्टूडेंट्स को ऑस्ट्रियन यूनिवर्सिटीज की डिग्री दी जाएगी। एंड मोर ओवर, पाकिस्तान इज एन एसोसिएट मेंबर ऑफ सर्न, वन ऑफ द मोस्ट फ्यूस्ट कंट्रीज टू ऑब्टेन दैट स्टेटस। So basically, CERN is a European research organization that operates the largest particle physics laboratory in the world. CERN जो है वो बुनियादी तौर पे एक physics का experiment है, जिसका काम है physics की बिल्कुल basic level को समझना। तो अब इस चीज़ को समझने के लिए जो इन्होंने experiment design किया है, उसके अंदर काफ़ी सारे detectors मौजूद हैं जो कि पूरे जो experiment conduct होता है तो उसकी जो भी observations है वो लेते हैं। तो वो जो detectors है ना, वो कोलैबोरेटिव बेसिस पे बनाए गए हैं। तो हर कंट्री के मुख्तलिफ लोग और मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ और इस तरह की ना, हर यूनिवर्सिटी ने कुछ कंट्रीब्यूट करके ना, तो वो पूरे पूरे डिटेक्टर्स जो कि बहुत बड़े हैं, जो कि आप समझ लें एक बिल्डिंग जितने बड़े होते हैं, वो बनाए गए। ऑल्दो पाकिस्तानी इतने डोमिनेंट नहीं है एज इनके, उनकी इतनी ज़्यादा पार्टिसिपेशन नहीं है इन ऑल फील्ड्स में, लेकिन अब ये वक्त के साथ साथ चेंज हो रहा है, क्योंकि अब रिसेंटली 2015 में पाकिस्तान एक एसोसिएट मेंबर बन गया सर्न का। अब इस मेंबरशिप का मतलब ये है कि अब पाकिस्तानी ऑल्दो पहले तो टेम्परेरी पोजीशंस के लिए अप्लाई कर सकते थे, अब पाकिस्तानी परमानेंट पोजीशंस को भी परस्यू कर सकते हैं, और अगर आप उनको फिर देखा जाए तो अब नए मौके पाकिस्तानी के लिए बेसिकली पैदा हो रहे हैं।
अब जो बात मैंने शुरू में कही कि हमारे यहाँ तजस्सुस को दबाया जाता है, ये कहा जाता है कि हमें ज़रूरत नहीं है तो हम क्यों अपग्रेड करें। अभी कुछ दिनों पहले ही मैंने पाकिस्तानी मोबाइल ब्रांड का फेसबुक पर एक बार फोन का एडवर्टाइजमेंट शेयर किया कि जिस मार्केट में आज की डेट में भी बार फोन्स बेचे जाएं और स्मार्टफोन्स को प्रमोट ना किया जाए, क्या ऐसे पाकिस्तान को आप डिजिटल पाकिस्तान बनाएंगे। जिसमें कुछ लोगों ने कमेंट्स में कहा कि दिस एड इज फॉर अ सेट टारगेट ऑडियंस, हमारे लिए नहीं है। You know, this is what I'm talking about. हमारे यहाँ लोगों में तजस्सुस ही नहीं है कि यार फलाना टेक्नोलॉजी आई है, ये क्या है या फिर वो वाली टेक्नोलॉजी क्या है। अब ऐसा नहीं है कि स्मार्टफोन्स बहुत एक्सपेंसिव हैं। अगर आप पाकिस्तानी ब्रांड्स या चाइनीज ब्रांड्स के फोन उठाकर देखें तो आपको बहुत कम पैसों में बहुत अच्छी चीज मिल जाएगी। अब बात आती है टारगेट ऑडियंस की। द थिंग इज कि वो ऑडियंस भी अपने आप को अपडेट नहीं कर रही और हमारे ब्रांड्स इंस्टेड ऑफ मेकिंग देम लर्न बिजनेस करने पर लगे हैं और उनको वही पुराने फोन चिपकाए जा रहे हैं। अब इस पर आप ये कह सकते हैं कि भाई वो ऑडियंस इतनी एजुकेटेड ही नहीं है, उनको ये फोन समझ में नहीं आएंगे। देखें, स्टीव जॉब्स का एक कोट है, पीपल डोंट नो व्हाट दे वांट अंटिल यू शो इट टू देम। दैट्स व्हाई आई नेवर रिलाय ऑन मार्केट रिसर्च। आवर टास्क इज टू रीड थिंग्स दैट आर नॉट येट ऑन द पेज। जब पहला स्मार्टफोन बन रहा था, अगर कंपनी ने यह सोचा होता कि भाई आज से पहले लोगों ने कभी इस्तेमाल ही नहीं किया, वो इस्तेमाल ही नहीं कर पाएंगे, तो आज ये वीडियो आप अपने स्मार्टफोन में नहीं देख रहे होते। एंड दिस अप्लाइज टू एवरी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हैपेंड इन द लास्ट 20 इयर्स। अगर आप अमेरिका, यूरोप, चीन, हिंदुस्तान, उन मुल्कों में देखें तो जो नौजवान हैं वो कुदरती तौर पर साइंस की तरफ जाना चाहते हैं। वो मिसाल के तौर पर कहते हैं कि हम स्टीफन हॉकिंग जैसा किस तरह से बन सकते हैं। हमारे यहाँ पाकिस्तान में ऐसा नहीं है। यहाँ ये कि मैं बड़े पैसे किस तरह से बना सकता हूँ। तो ये इसलिए है कि हम लोगों में बचपन ही से तजस्सुस को कुचला जाता है। वी आर नॉट एनकरेज टू बी क्यूरियस और इसी वजह से पाकिस्तान में साइंस पनप नहीं सकी। देखिए, हर बच्चा कुदरती तौर पर मुतजस्सिस होता है, वो जानना चाहता है कि ऐसा क्यों और वैसा क्यों, आसमान नीला क्यों है, तारे क्यों चमकते हैं। लेकिन अगर उसे चुप करा दिया जाए, उसे कहे कि बस ये ऐसा है, इसकी कोई वजह नहीं है, बस दुनिया ऐसी है, इसकी कोई तौजीहात नहीं है, तो बस उस बच्चे का जहन आपने उसी वक्त मार दिया है। अब एक प्रॉब्लम जो सामने आती है, एक्सेप्शन ऑफ टेक्नोलॉजी। हम अपनी अगर हिस्ट्री उठाकर देखें तो दुनिया में जब भी कोई नई टेक्नोलॉजी आई है, पाकिस्तान ने उसको पहले रिजेक्ट कर दिया और ऐसे लॉज बनाए जाते हैं जिसमें वो टेक्नोलॉजी चाहते हुए भी पाकिस्तान में डेवलप हो ही नहीं सकती। फॉर एग्जाम्पल, PayPal, Amazon, etc. अब ये PayPal जैसी कंपनीज पाकिस्तान क्यों नहीं आती, इसके लिए मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा। एक्सेप्शन ऑफ टेक्नोलॉजी की बात करते हैं तो रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से भी हमें कुछ बैकलैश देखने को मिलता है। नॉर्मली आप सबने ये सुना होगा कि भाई फलाना टेक्नोलॉजी यहूदियों की एक साजिश है, मुसलमानों को खत्म करने का एक आइडिया है। जहां आज इंसान खड़ा है, इसमें आपकी कंट्रीब्यूशन क्या है? आपसे मुराद मेरी, हम की, हम सब की, 1,40,00,000,000 मुसलमानों की कंट्रीब्यूशन क्या है? ये एक पैंपर नहीं दे सके बनी नौ इंसान को, ये बॉल पॉइंट नहीं दे सके, ये गाड़ी की विंड स्क्रीन साफ करने वाला वाइपर नहीं दे सके। 56-57 इतने लगभग मुसलमान मुल्क हैं, एक में भी जमहूरियत नहीं है, डूब मरो। मैं सदियों से एक बड़ा दिमाग नहीं पैदा किया, इस मुल्क में एक बड़ा आदमी पैदा हुआ है, मैं इंटेलेक्चुअली बात कर रहा हूं। ये मुल्क है, सबका है, जिना साहब के स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड पे हैं कि हिंदू अपनी जगह, फलां अपनी जगह, उसको आप जो भी लेबल लगाएं, डॉक्टर अब्दुल सलाम, उसको ने ठुड्डे मार के इस मुल्क से बाहर निकाल दिया। डॉक्टर अब्दुल सलाम, पाकिस्तानी थ्योरेटिकल फिजिसिस्ट एंड नोबेल प्राइज विनर। अब्दुल सलाम साहब अहमदी थे। 1974 में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान में अमेंडमेंट की गई और अहमदीस को नॉन मुस्लिम करार दे दिया गया। ये तो हो गई रिलीजियस बात, लेकिन अगर एक शख्स आपके मुल्क को साइंटिफिकली फायदा पहुंचा रहा है और उसके इस काम में उसके रिलीजियस सेक्ट का कोई अमल दखल नहीं है, तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? अब्दुल सलाम ने जो सबसे बड़ा काम किया, बहुत सारे काम किए, लेकिन जो सबसे बड़ा काम था वो कुदरत की दो कुव्वतों को यकजा करना था। तो हम जानते हैं कि कुदरत में चार मुख्तलिफ कुव्वतें कार फरमा हैं, ग्रेविटी, स्ट्रॉन्ग फोर्स, वीक फोर्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। तो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स और वीक फोर्स है, सलाम साहब ने ये साबित किया कि इनका मैथमेटिकल स्ट्रक्चर एक जैसा है। अब वो साबित करने से फिर बहुत सारी पेशनगोइयां निकली जो दुनिया जहां में फिर उसके ऊपर तहकीक हुई और उनको दुरुस्त साबित किया गया।
तो आज अगर आप मिसाल के तौर पर सर्न जाएं, जो दुनिया का सबसे बड़ा तजर्बागाह है पार्टिकल फिजिक्स के लिए, तो वहाँ एक सड़क उनके नाम से मंसूब की गई है, इट्स कॉल्ड द सलाम एवेन्यू। अब आज की सबसे बेसिक टेक्नोलॉजी जो हम रोजाना ही यूज करते हैं, 3G एंड 4G इंटरनेट। दुनिया में जून 2003 में 3G लॉन्च किया गया और दिसंबर 2009 में 4G लॉन्च किया गया, और पाकिस्तान में 3G और 4G दोनों को साइमल्टेनियसली अप्रैल 2014 में लॉन्च किया गया। अब आप ये समझ सकते हैं कि ये जो 11 साल का वक्फा पाकिस्तान में 3G लॉन्च करने में लगा, इसकी जैसी अनगिनत और कितनी चीजें होंगी जिसमें आज भी पाकिस्तान दुनिया से पीछे है। मैं हूं नबील तारिक और ये था मेरा जाविया। अगर आपका भी इस टॉपिक से रिलेटेड कोई जाविया है तो लीव देम इन द कमेंट्स बिलो। मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।